संभल गया था मैं माल बेचने के लिए, यही लगाने के लिए, तो बोल लिया था चमार पमार बोल लिया था। तो मैंने एक दो आवाज लगाई थी नारेबाजी की, मैंने वोट देना तो मायावती को देना, मोदी को न देना। तो फिर वो आके वहाने एकदम हाथापाई कर दी मेरे साथ में, फिर मुझे पत्रकारों ने बचाए, फिर वो पत्रकार मुझे गाड़ी ले गई, मुझे बैठा कर फिर मुझे छोड़ भी दिए कोतवाल ने, चल तू जा। फिर मुझे गाड़ी लेकर आई पकड़ के बीसी के जरिए से आई, तो फिर बीस ने फिर मुझे फिर वहाँ पे लेकर गई थी, फिर बाद में मुझे मारा था आधे घंटे, फिर बाद में वीडियो बनाई थी, तो फिर मुझे जेल पहुँचा दी। फिर वह के बाद फिर कब आए जेल से? जेल से मैं मुझे 5 बजे मेरा परवाना आ गया, 5:30 बजे। वो ऐसी गंदी गंदी गाली ये बकरा था जो जिसको सुनकर जो है इंसानियत तो क्या चीज़ है कि हैवानियत भी जाग उठेगी। उसको बचाने की, उसको हटाने की वहाँ से बात कही, उसको समझाया, समझा कर उसको मैं बचा कर ले गया, लेकिन वो शराब के नशे में धुत था। लगता ऐसा ही है जैसे मैंने उसे धमकाया डराया, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं था। उसको किसी जरिए ना किसी के ज़रिए से वहाँ जमाया गया था।